नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के कानपुर में आज सुबह रेल हादसा हो गया। यहां ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि साबरमती एक्सप्रेस यानी वाराणसी से अहमदाबाद का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकरा गया, इसके बाद पटरी से उतर गया। इस घटना के बाद कुछ निशान देखे गए हैं। कुछ निशान लोको से सोलवे कोच के पास मिले थे। शुरुआती जांच के अनुसार रेलवे ट्रैक में कोई फ्रैक्चर नहीं है। रेल मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि हादसे के एविडेंस सुरक्षित कर लिए गए हैं। आईवी और यूपी पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना में यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। पैसेंजर्स के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। वही कानपुर एडीएम सिटी राकेश वर्मा ने कहा कि 22 बोगियां पटरी से उतरी है, गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को बस से वापस स्टेशन भेजा जा रहा है। वही एक मेमो ट्रेन भी यहाँ आ रही है। किसी तरह से कोई हताहत नहीं हुई है। बता दें कि शुक्रवार की देर रात कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। यहाँ ट्रेन के 22 डिब्बे बेपटरी हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। इस हादसे को लेकर ड्राइवर ने भी कहा है कि हादसा प्रथम दृष्टया बोल्डर के इंजन से टकराने की वजह से हुआ है, क्योंकि जैसे ही बोल्डर इंजन से टकराया वैसे ही इंजन का कैटल गार्ड मुड़ गया। रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को बस से कानपुर भेजा जा रहा है। सीनियर अधिकारी घटना स्थल और कंट्रोल रूम में मौजूद है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। यात्रियों की मदद के लिए रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं दूसरा हादसा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी रंगा पानी में भी हुआ है। ये एक्सीडेंट एक प्राइवेट यार्ड में हुआ, जहां ईंधन ले जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई। देर रात सिलीगुड़ी रंगा पानी इलाके में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी ईंधन ले जा रही थी। आपको बता दें कि रेलवे का कहना है कि हादसा एक प्राइवेट यार्ड में हुआ है, ऐसे में रेल मंत्रालय से उसका कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी रंगा पानी में 15 दिन पहले एक और मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। इसी इलाके में इस साल जून के महीने में कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। मैं बता दें कि यहां पर 2 महीने के अंदर ही 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं।